हेलो हॉरर स्टोरीज के चाहने वालों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आयो बढ़िया ही होगे। तो यार रात के ना 2 बज रहे हैं और पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या सूझा है कि मुझे ये टाइम मिला है भाई हॉरर स्टोरी वीडियो शूट करने के लिए। खैर ये तो कोई बात की बात। तो ये स्टोरी हमको आती है दिल्ली से, एक क्रीपी नेबर के बारे में। हेलो, मेरा नाम माया है और मैं 21 साल की कर्नाटका की स्टूडेंट थी। और जब मैं दिल्ली अपनी पढ़ाई करने के लिए आई थी, और ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि मैंने 2 इयर्स का गैप लिया था अपनी पढ़ाई के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई। बट स्टिल माई पेरेंट्स बिलीव इन मी और उन्होंने मुझे दिल्ली में एक कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया था। और मुझे ये चीज भी पता थी कि मेरे पेरेंट्स के लिए ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी था, बट मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि मैं कौन से कॉलेज में थी और क्या करती थी, पर 21 साल की उम्र में जब मैं दिल्ली में आई थी तो इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। ये शहर मेरे लिए काफी ज्यादा नया था और यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा होया करती थी। और वैसे मेरे लाइफ में सिर्फ 3 ही खास दोस्त थे जिनसे मैं काफी ज्यादा क्लोज थी। तो इस सिटी में आके काफी ज्यादा लोगों से मिलकर देखकर काफी नया एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। पर मेरे यहाँ आने से पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए यहाँ पर एक अपार्टमेंट बुक कर लिया था और उस अपार्टमेंट को मुझे एक अपनी क्लासमेट के साथ भी शेयर करना था। शुरुआत के 3-4 महीने में मैं उस अपार्टमेंट में अकेले ही रहती थी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं अब 26 साल की हूँ और मैं अभी भी उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। हमारे उस अपार्टमेंट में 4 बिल्डिंग्स थी, ए बी सी एंड डी, और मैं बिल्डिंग सी में रहती थी ऑन दी 8th फ्लोर। और हमारे फ्लोर में कुल 4 फैमिलीज और रहती थी और उनमें से एक मेरे नेबर थे, उनका नाम था मिस्टर वर्मा। और उनकी खिड़की मेरे अपार्टमेंट से बिल्कुल साफ नजर आती थी। जब शुरू शुरू में मैं यहाँ आई थी तो मिसेस वर्मा काफी ज्यादा फ्रेंडली थी। उनकी बीवी का देहांत हो चुका था और उनका बड़ा बेटा और बहू दोनों उन्हीं के साथ रहते थे। और मिस्टर वर्मा के बेटे ने मुझे मूविंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करी थी, सामान अंदर रखने में। और शुरुआती के कुछ दिनों में उन्होंने मेरे लिए खाना भी बनाया था, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार भी हूँ। और जो उनका व्यवहार मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था, तो मैं उनके यहाँ घर भी काफी बार आया जाया करती थी क्योंकि नए नए टाइम में मेरे पास दिल्ली में कुछ करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं और मैं ज्यादा कुछ की भी नहीं हूँ बाहर घूमने के लिए। और मुझे अकेला रहना काफी ज्यादा पसंद आने लगा था, इसलिए जैसे मेरा मन करता था सोशल गैदरिंग करने का तो मैं मिस्टर वर्मा के घर चली जाती थी। शाम को उनके साथ चाय पीना, दिल्ली के बारे में थोड़ी बात करना और उनके बचपन में क्या क्या हुआ था ये चीज के बारे में थोड़ा सुनना और किस तरह से उन्होंने दिल्ली को चेंज होते हुए देखा था, ये सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। और देयर इज अ समथिंग रॉन्ग ऑन दैट अपार्टमेंट, क्योंकि मैं जब भी उनके यहाँ अपार्टमेंट में जाती थी तो मुझे कुछ ना कुछ अजीब सी एक फीलिंग भी आती थी। उनका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट पता नहीं क्यों मैं जब भी उस अपार्टमेंट में जाती थी तो मुझे ना एक अजीब सी फील आती थी, एक अजीब सी वाइब आती थी। एंड आई हैड अ गट फीलिंग कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, मिस्टर वर्मा स्टार्टिंग में काफी ज्यादा फ्रेंडली स्वभाव के थे, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी काफी ज्यादा वार्म स्माइल होती थी, जो हमेशा ग्रोसरी लेने में और खाना बनाने में काफी ज्यादा फ्रेंडली भी रहते थे। और वो हमेशा ये भी कहते थे कि उनको अपने गाँव से काफी ज्यादा प्यार है, काफी ज्यादा ही लगाव है। तो उनकी बीवी के मरने के बाद वो कभी भी गांव नहीं गए और यही सवाल ना मेरे दिमाग को खाता रहता था। पर जब भी मैं उनके घर जाती थी तो एक अजीब सी बदबू आती थी मुझे उनके घर से, एंड विच आई डिड नॉट नो कि वो क्या था। वेल, अब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था, मेरे कॉलेज को 2 महीने हो गए थे
और मेरा मिस्टर वर्मा के घर आना जाना में काफी ज्यादा कम हो गया था। और मेरे पास एक नई रूममेट भी आ गई थी जो काफी ज्यादा प्यारी भी थी। हम दोनों के एक सेपरेट सेपरेट रूम थे, लेकिन आई एम टू बी ऑनेस्ट, मैं ज्यादातर उसी के रूम में रहती थी। सुबह कॉलेज जाना और कॉलेज से आकर दिन भर गप्पे मारना, ऐसे ही हमारा पूरा दिन गुजर जाता था। और सिर्फ रात के सोते समय मैं से अपने कमरे में जाती थी, और जब मैं अपने सोने के लिए अपने रूम में जाती थी तो मिस्टर वर्मा के घर से एक अजीब सी स्मेल मेरे रूम में आती रहती थी। और एक ये भी रीजन था कि मैं क्यों अपने रूममेट के कमरे में बैठी रहती थी। और एक दिन रात में जब मैं सो रही थी और रूममेट भी नहीं थी मेरे साथ उस घर में, और तकरीबन रात के 3 बजे मुझे एक बहुत जोर सा साउंड आया, और वो ऐसा लग रहा था कि किसी हथौड़े को दीवार पर मारा जा रहा हो। और उसी के थोड़ी देर बाद मुझे किसी की औरत की चीखने की आवाज आई। और यह सुनकर जैसे ही मैं खिड़की से बाहर झांकने लगी तो मैंने देखा तो मिस्टर वर्मा की लाइट ऑन थी, और मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि उस रूम में आखिरकार चल क्या रहा है। और तभी अचानक मिस्टर वर्मा ने मुझे उनकी खिड़की से देखा, और वो बस मुझे घूरते ही रहे। और ये काफी ज्यादा स्कैरी भी हो गया था, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे घूर रहे थे मैं ज्यादा देर अपनी आंखें वहां टिका ही नहीं पाई। और देखते ही देखते उन्होंने अपने कमरे की लाइट को बंद कर दिया। और मैं इस बात पे 100% श्योर भी हूँ कि मैंने वहां एक औरत की आवाज सुनी है। मुझे लगा कि उनके बहू को शायद कुछ हो गया है, इसलिए मैं भागते हुए मिस्टर वर्मा के रूम के बाहर पहुंची। तब फिर मैंने उनकी डोरबेल बजाई, लेकिन डोरबेल की आवाज मुझे नहीं पहुंची, इसलिए फिर मैंने उनका डोर नॉक किया। और तभी फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि उनका दरवाजा तो खुला हुआ है। और सबसे ज्यादा और स्कैरी की बात कि उस रात को बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा यूनिवर्स मुझे डराने में लगा हुआ है। बट यस, फिर मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उनके बहू के लिए उस कमरे के अंदर चली गई। फिर मैंने डरी हुई धीरी आवाज में उनसे कहा, हेलो मिस्टर वर्मा, मैंने अभी यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज सुनी, क्या आप सब लोग ठीक हैं? और किसी ने भी मेरे इस सवाल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब फिर मैं उनके बेडरूम की तरफ जाने लगी, और जैसे जैसे मैं उनके रूम की तरफ जा रही थी तो मुझे पैरों पे कुछ चिपचिपा सा फील हो रहा था, पर मुझे अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था कि वो चिपचिपा चीज थी क्या। तो मैंने उस चीज को इग्नोर करते हुए अपने हाथों से अगल बगल देखते हुए धीरे धीरे मैं उस रूम के दरवाजे के पास पहुंच गई, और फिर मैंने उस दरवाजे को धीरे से खोल कर अंदर झांकने की कोशिश की। और जो मैंने उस कमरे के अंदर देखा उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी चीज इस दुनिया में भी हो सकती है। नाउ आई एम टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता ढंग से कि वो था क्या, पर मैंने एक काला कपड़ा देखा जो कि एक बॉल की शेप में रैप था, और उसके आसपास कई सारी कैंडल्स जल रही थी, और मिस्टर वर्मा उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके आगे माथा टेक रहे थे। मिस्टर वर्मा उसी काली वॉल को या कुछ भी शेडो को, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो एक डेविल था। तो मिस्टर वर्मा उसी को देख रहे थे और मैं मिस्टर वर्मा को देख रही थी, और तभी अचानक मेरे सामने उनका बेटा आ गया, और उसको देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी। और तभी उसने मुझसे कहा कि तुम इधर कैसे आई, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, तो इसलिए फिर मैं सॉरी बोल के, और जैसे ही मैं उस कमरे से जाने वाली थी तो सडनली मुझे फिर से मिस्टर वर्मा के बहू की आवाज आई चिल्लाने। मुझे पूरा पक्का हो चुका था कि इस जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। तो फिर मैंने अपने राइट पॉकेट में हाथ डालकर अपना फोन निकाला, और फिर मैं पुलिस का नंबर को डायल करने लगी, और तभी फिर से मुझे अपने पैरों पर एक चिपचिपा सा कुछ फील हुआ। फिर तभी मैंने अपने फोन का टॉर्च खोला और धीरे से नीचे की तरफ लाइट करी, और देन आई रियलाइज, तब मैंने देखा कि वहां पर कुछ स्लाइमी सा ग्रीन टाइप का सब्सटेंस पड़ा हुआ था। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो आखिर चीज थी क्या। और उसको देखने के बाद मैं सीधा अपने रूम की तरफ भागी, और जैसे ही मैं भागी और उनके गेट के पास पहुंची तब मुझे लास्ट बार फिर से उनके बहू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, और मैंने उनकी बहू की आवाज सुनकर भी मैं बिल्कुल नहीं रुकी, और मैं सीधा उस रूम से बाहर निकल गई और सीधा अपने कमरे में भागी। और अपने कमरे में पहुंचकर मैंने पुलिस वालों को कॉल किया,
और मैंने उनको कॉल पर सब कुछ बताया जो मैंने देखा, और पुलिस वालों ने मुझसे ये कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है, तुम काफी ज्यादा डर चुकी हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे मिस्टर वर्मा की डिटेल मांगी। अब मैं मिस्टर वर्मा की डिटेल कहाँ से दूं, बल्कि मैं तो उनको उतने अच्छे से ज्यादा जानते भी नहीं थी। और उन्होंने मुझसे बस लास्ट में इतना कहा कि हम कल सुबह मॉर्निंग में आकर चेक करेंगे। मैं काफी ज्यादा ही डर गई थी और नर्वस हो गई थी, तो मैंने सबको कॉल मिलाना शुरू कर दिया और मैंने अपने रूम का डोर भी लॉक कर दिया था अंदर से। मगर इतनी रात में कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा था और इस चीज से मैं और ज्यादा डर गई। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था और मुझे बस बाहर से हल्की सी हवा की आवाज आ रही थी और बारिश की आवाज आ रही थी। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी और मैं फिर से उठकर मिस्टर वर्मा के रूम की तरफ देखने लगी अपने विंडो से, और फिर मैंने देखा कि उनके रूम की लाइट फिर से ऑन हो गई। मिस्टर वर्मा वापस से अपने उस विंडो की तरफ आए और उन्होंने अपने पर्दे को हटाया और उन्होंने मुझे फिर से देख लिया। उन्होंने मुझसे एक चीज कहा कि बेटा काफी ज्यादा रात हो गई है, तुम सो जाओ। और ये सुन के मैं काफी ज्यादा ही और डर गई। फिर अगला दिन हुआ और अगले दिन जब मैंने पुलिस वालों को फिर से कॉल किया तो उन्होंने मुझसे एक चीज कही कि जो कल रात हुआ उसका एविडेंस रख लें। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि कल रात मैंने जो देखा उसकी फोटो क्लिक करने के लिए। और कल रात की बात से अब मेरी बिल्कुल में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मिस्टर वर्मा के घर जाऊं, तो इसलिए फिर मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड को बुलाया, क्योंकि वो काफी लंबा चौड़ा था इसलिए मुझे उसके साथ डर नहीं लग रहा था। कॉलेज के खत्म होने के बाद जब वो मेरे घर आया और फिर हम दोनों मिस्टर वर्मा के घर गए, जब मैं उसके साथ मिस्टर वर्मा के घर गई तो मैंने वहां पर देखा कि वहां ना मुझे कोई स्लाइम दिखा, ग्रीन ग्रीन सा लिक्विड फ्लोर पे दिखा, और ना ही मैंने वो ब्लैक कलर के कर्टन्स जो ब्लैक कलर के पर्दे में जैसा कुछ था वो भी मुझे नहीं दिखा। उनकी बहू भी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद फिर रात में जब मुझे शोर की आवाज आ रही थी, एक हथौड़े की आवाज आ रही थी ठोकने की, फिर मैंने उसको भी ढूंढने की कोशिश करी। फिर मैंने उनका पूरा रूम चेक किया, हर एक चीज देखी, पर मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर मिस्टर वर्मा ने मुझसे आकर कहा कि अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी पूरी। मुझे पता था कि वो मुझे टांट मार रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे सॉरी कहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, शायद तुमने कल रात में कोई भयानक सपना देखा होगा। और फिर मैं वहां से चली गई, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी उस कल वाले इंसिडेंट से। और मेरे अगल बगल से वही अपार्टमेंट था तो काफी ज्यादा सस्ता था, इसीलिए मैं उस जगह को छोड़ भी नहीं सकती थी। और फिर मैं अपने पेरेंट्स से भी क्या कहती कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी उस जगह, इसलिए मैं उस जगह आप चुपचाप रहने लगी थी। और हमेशा मैं अपने साथ एक आदमी को रखती थी। फिर 2-3 महीने बाद मिस्टर वर्मा वो अपना रूम खाली कर चले गए और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बताया, कोई भी रीजन भी नहीं दिया। और ऐसे ही बिना रीजन के वो दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और अब मुझे यहाँ रहे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, और अब से उन 4 सालों के बीच में मेरे साथ कुछ भी उस तरीके से खतरनाक या भयानक कुछ भी नहीं हुआ। बट मैं आज भी यही चीज सोचती हूँ कि वो उस दिन रात में हुआ क्या था, क्या था वो सब। तो मैं सोच रही थी क्या वो सपना था सब। अगर वो सपना था तो फिर मैं रात को पुलिस वालों को कैसे कॉल किया। तो मैंने सबको फोन भी मिलाया था। अब चाहे वो जो कुछ भी हो, बट आई होप कि मिस्टर वर्मा की बहू अभी भी ठीक हो, और जो मुझे चाहिए था वो उस कल रात में जो बीता था, क्या हुआ था, मुझे उसका आंसर आज तक नहीं मिला। मैं आज भी क्यूरियस हूँ कि उस रात को हुआ क्या था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुमको ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। पर मैं तुमको एक चीज बता दूं कि एक हॉरर स्टोरी नहीं, एक क्रीपी स्टोरी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।